लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। नसरुल्लागंज के दुर्गा मंदिर चौराहे पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा सिंधिया का पुतला जलाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेसी सरकार गिराने के लिए सिंधिया ने षड्यंत्र रचा, इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने सिंधिया को गद्दार बताया और कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 22 विधायकों को बेंगलुरु ले जाकर बंधक बनाया है, इसी कारण आज पूरी कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है। सिंधिया ने अपने राज्यसभा जाने के लिए यह सारा षड्यंत्र रचा। आज पूरे मध्य प्रदेश में सिंधिया के प्रति कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है, इसीलिए कांग्रेसियों ने आज नसरुल्लागंज के दुर्गा मंदिर चौराहे पर सिंधिया का पुतला फूंका है। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। आज आपको मालूम है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार है और उस चुनी हुई सरकार को खत्म करने के लिए सिंधिया जी ने 22 विधायक कांग्रेस के ले जाकर बेंगलुरु में बंधक बना लिए और सिंधिया जी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इसलिए सिंधिया जी को हम लोगों ने भगोड़ा घोषित किया है, उनको षड्यंत्रकारी घोषित किया है कि उन्होंने अपनी मां से अपनी पार्टी से जिस पार्टी में वो पिछले 18 साल से रह रहे थे उस पार्टी को अलविदा कहकर और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि उन्हें राज्यसभा में जाना था और उनके विधायक जो है उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन अपनी राज्यसभा में जाने के लिए उन्होंने हमारे 22 विधायकों को बेंगलुरु में कैद कर रखा है। इस कारण से आज हमने जो कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की है माननीय सिंधिया जी ने उनको उनका हमने आज पुतला दहन किया है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से 5 साल तक चलेगी। कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को हटा सके। शिवराज सिंह जी और नरोत्तम मिश्रा जी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से स्थिर रहेगी और 5 साल तक निश्चित रूप से चलेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।